गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्स हेयर वॉशिंग टेक्निक के बारे में। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले शैम्पू करते हैं, फिर कंडीशनर यूज़ करते हैं। कंडीशनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको हेयर वॉश के जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जब भी कंडीशनर को लगाती हूँ तो उसको एक जो टाइम के लिए लगे रहने देना चाहिए उतने टाइम के लिए मैं नहीं लगाती हूँ, एक दो मिनट में वॉश कर देती हूँ। और स्पेशली अभी तो ठंड चल रही है तो मुझसे मतलब मैं 10-15 मिनट तक वेट ही नहीं कर पाती हूँ, एक दो मिनट में धो दूँगी उसको, तो मुझे उसके रिजल्ट्स ही नहीं मिल पाते। अगर आप चाहते हैं कि कंडीशनर के आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिले तो आपको 15-20 मिनट तक उसको बाल में लगा के रखना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी मुझे पता चला रिवर्स हेयर वॉश टेक्निक के बारे में। इसमें क्या करते हैं, पहले हम बालों में कंडीशनर लगाते हैं और फिर शैम्पू करते हैं। तो जैसे कि कई बार होता है ना, आप कोई मास्क लगाते हो, इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है कि आपको उसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप माइल्ड शैम्पू से वॉश करते हैं और कंडीशनर को स्किप कर देते हैं। ऐसे ही जब आप कंडीशनर को पहले लगाएंगे और बाद में शैम्पू करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया और इसके हर जगह आपको रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो मैंने भी सोचा कि इसको ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे तो ये सारे हेयर टाइप को सूट करता है, अच्छा काम करेगा, पर इस पर आपके अगर ड्राई स्कैल्प है या डल हेयर है तो उस पर एक कमाल का काम करती है। तो इसमें आपको करना क्या है, बस कंडीशनर लगा लेना है पहले बालों में और 15-20 मिनट तक लगे रहने देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटे तक लगे रहने दे सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से, जो शैम्पू थोड़ा सा हाइड्रेटिंग हो, उससे आप वॉश कर लीजिए। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हर्बल शैम्पूज होते हैं जिसमें रीठा होता है, मतलब पाउडर शैम्पू होते हैं, वो उतना ज़्यादा बालों को हाइड्रेट नहीं करते हैं और ड्राइनेस हो जाती है, तो ऐसे शैम्पू आप यूज़ ना करें। मैं जो कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ वो गुड वाइब्स का पपाया कंडीशनर यूज़ करती हूँ आजकल, और बायोटिक का अनियन शैम्पू यूज़ करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर इस टेक्निक के बेनिफिट्स की बात करूं तो ये जो हेयर फॉलिकल्स है उसको रिपेयर करने का काम करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, शाइन प्रोवाइड करता है, बालों को हाइड्रेट करता है, तो इसके ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और कुछ भी ऐसा अलग से तो करना नहीं है, बस शैम्पू कंडीशनर को पहले कर लेना है, बाद में शैम्पू यूज़ करना है। आप जब इसको करेंगे तो जब फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके बालों में से कंडीशनर बस आपने वॉश कर दिया, और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एक बार में। पर जब आप इसको वीक में 2-3 बार करेंगे तो इसको काफ़ी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप इसको मतलब बार बार करोगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी फ्रेश लुक देगा ये आपको। मेरे बालों पर ये इसलिए भी अच्छा काम करता है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो मुझे हर 2-3 दिन में बालों में ऑयल आ जाता है और वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। पर जब मैं कंडीशनर को पहले यूज़ करती हूँ, शैम्पू बाद में करती हूँ, तो मेरे बालों में ऑयल थोड़ा देर से आता है और मुझे इतना ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करना पड़ता। तो अगर ऑयली स्कैल्प है तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे तो आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हो, पर स्पेशली मैं विंटर्स में कहूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ठंड में इतनी देर तक बाल धोने के बाद कंडीशनर के लिए वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए होता है तो आप लोगों के लिए भी होता ही होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करो, इसके बेनिफिट्स लो। और एक बात और, जो भी आप कंडीशनर लगाते हो वो प्लेन कंडीशनर भी आप मतलब सिर्फ कंडीशनर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें कर्ड हनी या फिर एलोवेरा कोई भी ऑयल्स मिक्स करके कंडीशनर को लगा सकते हो मास्क की तरह, और फिर शैम्पू कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।